सर हुआ किस वजह से कोई पता? पढ़ा नहीं ठीक से। दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत ही बुरी खबर आ रही है एग्जाम देने वाले लड़कों के लिए, जिनका 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला था उनको मैं आपको बताना चाहता हूं। इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ एआरओं का एग्जाम अभी अभी रद्द किया है, कैंसिल किया है कोरोना के चलते। अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर आपका 25 जुलाई को अगर आपका एग्ज़ाम था तो मैं अभी आपको एआरओ के नाम बताऊंगा कि कौन कौन से एआरओ के एग्ज़ाम रद्द हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं कोरोना के चलते। ध्यान से देखिए दोस्तों, 25 जुलाई को जिनका एग्ज़ाम था, 25 जुलाई को जिनका एग्ज़ाम था तो किसी किसी एआरओ के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, वीडियो भी दिखाता हूँ, तो अभी आप देखिए कि कौन से एआरओ का जो एग्ज़ाम है जो कैंसिल हुआ है। सर हुआ किस वजह से कोई पता? पढ़ा नहीं ठीक से। दोस्तों देखिए ये है, दोस्तों आपने वीडियो भी देख ली होगी, ये जो एआरओ मैं आपको बताना चाहता हूं, एआरओ जम्मू का संजुआ ग्राउंड वाला जो एग्जाम था वो रद्द हो गया है। 25 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला था एआरओ जम्मू में जो भर्ती हुई थी, जिसका 25 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला था वो रद्द हो गया है। अभी मैं आपको काफ़ी फोटो दिखाने वाला हूँ, वीडियो भी दिखाया हूँ। देखिए जिन लड़कों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता ही है कि ये एआरओ का बाहर का मेन गेट है, जहाँ पर नोटिफिकेशन लगाए जाते हैं। तो देखिए ये फोटो हैं जिसपे बताया हुआ है, देखिए अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, जहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि कैंसिल हो गया है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता ही चल गया होगा, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ कैंसिल हो गया है। अभी फ्रेश डेट जब भी आएगी हमारे चैनल के माध्यम से दिखा दी जाएगी, तो आप आर्मी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो संजुआ ग्राउंड वाला एग्ज़ाम होने वाला था कोरोना के चलते दोस्तों कैंसिल हो गया है। अभी जो फ्रेश डेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी या न्यूज़पेपर की कटिंग पे भी आ जाएगी, जब भी आएगी तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा 25 जुलाई वाला एग्ज़ाम एआरओ जम्मू का कैंसिल हो गया। अगर आपका कोई और एआरओ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कुछ अपडेट आती है तो तुरंत आपको हम बता देंगे। जय हिंद।